हम तेरे तकाजे पूरे नहीं कर पा रहा है। ए अल्लाह तू कमजोरों का रब है, ए आका तू हमें इस कोताही पे माफ कर दे, ए आका हमें इस कोताही पे माफ कर दे। और मेरे मालिक दिल भी तेरी मुट्ठी में है, मछलियां तो मैं यमीन है, एक पूरी सारी कायनात को अपनी मुट्ठी में जिकड़ा हुआ है। हमारे दिलों को अहमद दीन के काम के लिए मोड़ दे मेरे मालिक। हमें ये सादत दे दे कि हमारी जिंदगी में इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान में ऐसा तेरे कुरान का दीन नाफिज हो जाए और तेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो जाए। और ऐ अल्लाह तू हमें और हमारे वालदैन को और हमारी औलादों को इस काम के लिए कबूल फरमा ले मेरे मालिक। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने इस काम का आगाज किया और तेरे पास पहुंच गए उनकी कब्रों को नूर से भर दे। और ऐ अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे दे। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला और मकाम महबूब अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमें तौफीक दे कि हम तुझसे राजी रहें। या अल्लाह या रहमान या रहीम तूने हम पर एहसान किए, तूने हमें एक ऐसी माँ की गोद में पैदा किया जिसने हमें इस तहरीक का शऊर दिया मेरे मालिक। और ऐ अल्लाह ऐसे बाप के घराने में जन्म दिया जिसने हमें लाल दिल से परवान चढ़ा कर यहाँ तक पहुँचाया। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को अपने नूर से भर दे। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की कब्रों को अपने नूर से भर दे। ऐ अल्लाह हमारे जिंदा वालिदैन की ईमान अमाल उम्र सेहत और खुशियों की हिफाजत कर दे। या अल्लाह हमें दीन के दाई के तौर पर कबूल कर ले मेरे आला। ऐ अल्लाह हमें तस्लीम को रोज पढ़ने की सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस बात का इदराक दे कि हमसे ज्यादा किसी के पास न लिटरेचर है न कुर्बानियों की दास्तान है, हमें इस जमात की अहमियत का एहसास पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमारी जिंदों की मुस्बत कर दे, हमारे क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों की मुस्बत कर दे। ऐ अल्लाह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला मकाम महमूद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाय खैर नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेहनत और शफात और शफकत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूम की मगफिरत फरमा और हमारे हमारे कीमती असासा हज़रत वहाब साहब की मगफिरत फरमा दे मेरे वाली। और ऐ अल्लाह जिन लोगों के लवाहिकीन खास तौर पर इंतकाल कर गए हम लोगों के सब की मगफिरत फरमा दे। और ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें अपने दरबार से मांगना भी सिखा दे। और ऐ अल्लाह हमें बीमारी अता फरमा दे। और ऐ अल्लाह इन हाथों को अपने सामने फैलाने वाला बना दे। और ऐ अल्लाह इन परेशानियों को अपने सामने झुकने वाला बना दे। और ऐ अल्लाह हमारे औलादों को हमारे लिए कीमती असासा बना दे, सदके जारिया बना दे, मुत्तकियों का इमाम बना दे।